माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज के अबाउट लेक्चर नंबर 5। इसके ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके, उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्ले लिस्ट बना रखी है, जाकर देख सकते हैं और अगेन रिवाइज कर सकते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू हियर लेक्चर नंबर 5। इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वर्ड यूज आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। What will complementary angles? Complementary angles, सारे angles जिनका sum कितना हो 90, both angles are known as complementary angles to each other. If the sum of two angles is equals to the 90 degree, then they will be known as complementary angles of each another. Okay? अब यहाँ पर complementary angles के respect के अंदर 6 formulae हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, अब इस फॉर्मूले को लिखने से पहले इसका एग्जांपल मैं यहां पर समझा देता हूं। एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें तो साइन 90 माइनस 30 किसके इक्वल होगा? साइन 90 माइनस 30 मीन्स दैट थीटा की जगह मैं क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 30 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 30 इज इक्वल टू कॉस थीटा की जगह अभी करंटली क्या है 30, तो साइन 90 माइनस 30 किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू कॉस 30 के इक्वल होगा। और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। हाउ? साइन 90 माइनस 30, इसको एक स्टेप पीछे अगर आप न्यूमेरिकल वे से सॉल्व करके देखें तो 90 माइनस 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाइएगा और उस टेबल में देखिएगा साइन 60 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू दोनों इक्वल होती है। वो इसी वजह से होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रीजन की वजह से। क्लियर? अभी और इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले इन 6 फॉर्मुलों को मैं लिख देता हूं। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होंगे। नेक्स्ट टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। नेक्स्ट टेन कॉस टेन कॉट सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल, कॉसेक थीटा के और कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल, सेक थीटा। ओके, दीज आर द 6 फॉर्मुलेज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6। You will have to remember these all of these formulas. So we'll take continue questions. Now we'll start exercise number 7.2. 7.1 already 4 lectures के अंदर complete कर चुके हैं, उनके examples आप लोगों को book से refer करके अच्छे से समझकर copy में note down करना है। Okay? Now 7.2 questions पर चले। Question number 1 के 4 parts है, 2 पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, 2 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है जिसको आप सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स बनाकर लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, आपको इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑल ऑफ क्वेश्चंस में जितने भी एंगल्स है उनको सम करने पर आप लोगों को 90 डिग्री मिल रहा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, 10 और 80, 80 प्लस 10 कितना हो रहा है 90, मीन्स दैट ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यहाँ पर आप देखें 37 और 53 दोनों को ऐड करके देख लीजिएगा क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो अब आप लोगों का क्या एम बनता है, दोनों को सेम एंगल में कन्वर्ट कर देना, मींस दैट किसी एक को 90 माइनस समथिंग के फॉर्मेट में लिख दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को लें, कॉस ऑफ, क्या आप लोग 37 को 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 37 मिलेगा, जाहिर सी बात है 53। अब डायरेक्टली कैसे मालूम चलेगा, इन दोनों का सम जब 90 हो रहा था तो उस केस में 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू कितनी मिल जानी है, 37। ओके, नाउ साइन 53। अब अभी अभी आप लोगों ने फॉर्मूला रीड आउट किया, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अभी यहां थीटा कौन है देखिए क्लियरली, ये थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू
क्या लिखने जाएंगे आप, साइन थीटा कितना है 53 और अपॉन में ऑलरेडी क्या है साइन 53 और सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर में सेम क्वांटिटी डिनोमिनेटर में कट हो गया, वैल्यू कितनी आई 1। क्लियर, यहाँ कट करके कई जने मिस्टेक भी करते हैं, 0 लिख देते हैं, जब सेम क्वांटिटी कट होती है वैल्यू क्या लिखेंगे आप 1। ओके, और सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है तो 0 आएगा। नाउ 10 बाय cot 80। अब ऐसा भी इसमें नहीं है कि आप 37 को ही 90 माइनस 53 लिखें, किसी को भी लिख सकते हैं। अब देखो 10 को लिखने के दो टाइप हो सकते हैं, या तो इस क्वेश्चन में 10 को लिख दीजिए 90 माइनस 80, 10 में लिख सकते हैं 90 माइनस 80 कितना होता है 10, और आप अगर चॉइस के अकॉर्डिंग 80 को लिखना चाहें तो 80 को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस हाउ मच, सो विल गेट 80, तो आप 80 को लिख सकते हैं 90 माइनस 10 एज योर रिक्वायर्ड, जैसे मैं इसमें डिनोमिनेटर में लिख देता हूं। न्यूमरेटर एज लिख सकते हैं, कहने का सेंस ये है दोनों को ही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के अंदर लेकर आएंगे। cot 80 को लिख देते हैं यहां पर 90 माइनस 10। क्लियर, अब यहां पर देखिएगा फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, cot 90 माइनस थीटा, थीटा यहां कितना है 10, तो अभी अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, न्यूमरेटर तो एज ही आएगा 10 cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, और थीटा की जगह अभी क्या प्रोनाउंशिएट हो रहा है 10, तो यहां पर जैसे ही आप लोग इसकी जगह 10 लिखेंगे ये वैल्यू आप लोगों के जस्ट कट हो जाएगी और यहां पर भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलने वाला है 1। क्लियर, और इसको आप अगेन दूसरे वे से भी प्रैक्टिस करिएगा, 10 को लिखिएगा 90 माइनस 80 एंड देन सॉल्व करके देखना क्या वैल्यू आंसर आती है, तो आप लोगों को इसका डिफरेंस मालूम चल जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू के फर्स्ट पार्ट में cosec 25 माइनस sec 65 है। नाउ इस क्वेश्चन में देखेंगे 25 और 65, जरा इन दोनों का सम करके फाइंड आउट कीजिए कितना होता है, 25 प्लस 65 ओवरऑल कितना 90 डिग्री, मींस दैट अगेन बोथ आर दीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, व्हाट 25 को मे बी रिटन एज 90 माइनस 65 एंड यू कैन ऑल्सो राइट 65 एज 90 माइनस 25, बोथ आर ऑप्शंस अलग। हियर वी विल टेक cosec 25 मे बी रिटन एज 90 माइनस 65, ओके माइनस इसको एज भी रखेंगे, ध्यान रखें इनमें दोनों को ही सेम पैटर्न से चेंज ना कर दें कि 65 को लिखते हैं 90 माइनस 25, नो आपको दोनों ही सेम एंगल्स के अंदर कन्वर्ट करने हैं। नाउ यहां पर एक फॉर्मूला रीड आउट करें, cosec 90 माइनस थीटा, अभी मैंने थीटा की जगह यहां पर कितना राइट डाउन कर रखा है 65, cosec 90 माइनस थीटा आप लोगों ने फॉर्मूला मेमोराइज कर रखा है, किसके इक्वल होना है cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा और थीटा कितना है 65 माइनस ये एज इट इज नीचे। नाउ बताएं sec 65 माइनस sec 65 प्लस 1 माइनस 1 कितना होता है, सेम क्वांटिटी एडिशन में सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट में, सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होके कट होके वैल्यू कितनी आ गई 0। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1, नेक्स्ट ले रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट का क्या करना है फाइंड आउट करना है एंड आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर राइट डाउन करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, साइन 36 बाय कॉस 54, साइन 54 बाय कॉस 36। क्लियर सर, अब यहां पर भी आप यहां पर देखेंगे 36 एंड 54 सम कीजिए कितना होगा 36 प्लस 54 सम करने पर कितना आना है 90। अब यहां पर भी टू ऑप्शंस है, या तो ईच एंड एवरी एंगल को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें 36 में, या ईच एंड एवरी एंगल को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें 54 में। अब यहां पर आप देखेंगे क्या साइन 36 कॉस 54, मैं क्या करता हूं 54 को लिख देता हूं 90 माइनस 36। ओके, तो साइन 36 इज एज इट इज, कॉस 54 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 36। क्लियर, माइनस sec साइन 54 को क्या लिखते हैं 90 माइनस
36 अपॉन कॉस 36 एज इट इज रहने देते हैं। सबको देखें 36 के फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट कर चुका। नाउ यहां पर दो प्लेसेस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। उससे पहले यहां देखें साइन 36 तो एज इट इज अपॉन में डिनोमिनेटर में देखें फॉर्मूला रीड आउट कर रहा हूं, मेमोराइज हो रखा होगा। देखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 36, तो फॉर्मूला क्या कहता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पर कितने से रिप्लेस है 36, माइनस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना 36, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कितना 36 अपॉन में कॉस 36। यहां पर आप देखेंगे साइन 36 से साइन 36 कट हुआ, कॉस 36 से कॉस 36 कट हुआ, इधर भी वैल्यू 1, इधर भी वैल्यू 1, 1 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई 0। क्लियर? नेक्स्ट लेते हैं साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल, कॉस थीटा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, एंड एज यू आर ऑलरेडी रीड आउट दिस फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1, इट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साइन 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉस 70, इधर पूरा कन्वर्ट है साइन में, इधर पूरा कन्वर्ट है कॉस में, तो या तो दोनों को साइन में ले जाएं या दोनों को कॉस में लेकर चले जाएं। ओके, तो जैसा कि यहां पर आप 70 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20, साइन 20 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 70, ये एज इट इज रखेंगे कॉस के, इसको एज इज लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि साइन वाले किसमें कन्वर्ट हो सके कॉस में। अब मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। साइन 90 माइनस थीटा, अभी ये थीटा यहां कितना है 70, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके, माइनस ये कॉस 20 कॉस 70। अब देखिए सेम क्वांटिटी प्लस में और सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन में, तो दोनों कट होकर वैल्यू कितनी आ गई 0, विच इज द क्वेश्चन आंसर। ओके, अब आप यहां पर भी अगर इसको कॉस को 20 को लिख देते 90 माइनस 70, तो ये कॉस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं साइन में, और साइन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं कॉस में, तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट पूरा अपना कंप्लीट नहीं होता। इसलिए किन्हीं एक क्वांटिटी को, या तो इसको या इन कॉस को आप लोग कन्वर्ट करके किस में कर सकते थे साइन में कन्वर्ट करके कर सकते थे, तो भी दोनों की वैल्यूज कट होकर वैल्यू कितनी आती 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड पार्ट, ट्वाइस ऑफ कॉस 67 बाय साइन 23। यहां पर यहां देखेंगे 67 23 दोनों की वैल्यू का सम कितना होता है 90, मींस दैट या तो 67 को लिख दीजिए 90 माइनस 23, एंड यू कैन आल्सो राइट एज 23 इज इक्वल टू 90 माइनस 67। क्लियर? नाउ 40 एंड 50, 40 प्लस 50 कितना होता है 90, या तो 40 को लिख दीजिएगा 90 माइनस 50, या 50 को आप लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 40, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, और ये एज इट इज जो है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ट्वाइस ऑफ कॉस 67 को क्या लिख देते हैं 90 माइनस 23, इसको एज इट इज लिखते हैं, माइनस 10, 40 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 50 अपॉन कॉट 50 माइनस कॉस 60। नाउ टू कॉस 90 माइनस थीटा, कितना है थीटा 23, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा कितना 23 अपॉन में साइन 23, सॉरी माइनस 10 90 माइनस थीटा,
थीटा कितना है 15, तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉट थीटा अपॉन में कॉट 50 माइनस कॉस 60। ओके साइन 23 से साइन 23 कट, कॉट 50 से कॉट 50 कट, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में वर्क आएगी। तो देखें 7 चैप्टर में भी 6 चैप्टर का जो टेबल बन रहा था उस टेबल की वैल्यूज वर्किंग आउट में है। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 माइनस 1 1 सिर्फ इसको सॉल्व करके लिखना माइनस 1/2। नाउ एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट हो गया, रिमेनिंग कितना रहना है हाफ, एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं 2 माइनस 1 1/2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, साइन 35 बाय कॉस 55 स्क्वायर प्लस कॉस 55 बाय साइन 55 स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60। यहां क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं, एक 55 है और एक 35 होगा, तो आप इस क्वेश्चन को चेकआउट कर लीजिएगा, किसी एक को मैं यहां पर किस में कन्वर्ट कर दे रहा हूं 35 में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। ओके तो इसको सॉल्व करते हैं 35 55। नाउ या तो 35 को लिख दीजिए 90 माइनस 55 और या 55 को लिख सकते हैं 90 माइनस 35, दोनों ऑप्शन अलाउड है। नेक्स्ट माइनस ऑफ 2 कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू हम लोगों के पास है, तो क्या करते हैं साइन 35 को लिख देते हैं 90 माइनस 55 अपॉन कॉस 55 स्क्वायर प्लस कॉस 35 को लिख देते हैं 90 माइनस 55 अपॉन साइन 55 स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो कॉस 55 बाय कॉस 55 और ये स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना 55, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू अभी अभी रीड आउट की है 1/2। कॉस 55 से कॉस 55 कट, साइन 55 से साइन 55 कट, 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 से 2 कट हुआ 1, नाउ 1 प्लस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 वैल्यू 1, इट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। क्लियर, आप इन सारे वीडियोस को एक बार देखने के बाद सेकेंड टाइम नोट आउट कीजिएगा और थर्ड टाइम इसको अच्छे से समझ के देखें, साथ ही साथ अपने क्वेश्चंस जो नोट डाउन कर रखे हैं देखें, सिंगल टाइम में ये क्वेश्चंस समझ में आना बहुत ही टिपिकल होता है, इसलिए प्लीज आप वीडियो को जब भी टाइम मिले अगेन एंड अगेन रिपीट कीजिए ताकि आप लोगों को ये मालूम चले कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। ओके व्हेनेवर यू हैव फ्री टाइम देन सी द कंप्लीट वीडियोस, यू विल हैव इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, साइन 27 बाय कॉस 63, साइन 27 और 63 दोनों का सम कितना होता है 90, तो क्या करें 27 को लिख देते हैं 90 माइनस 63 प्लस कॉस 63 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 27। ओके दोनों को सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। नाउ साइन 90 माइनस थीटा कॉस, ये थीटा कितना है 63 ये स्क्वायर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा 27 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। नाउ कॉस 63 से कॉस 63 कट, साइन 27 से साइन 27 कट, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। सो आज के इस वीडियो में 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किए हैं, यहां तक आप लोगों को करिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोग इस एक्सरसाइज को भी क्या कर देंगे फिनिश कर देंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इन टू योर फ्रेंड्स।